ये जॉर्जो पॉल है, ये हम हैं, और यहाँ भाई पारी होने वाली है। मतलब कि यार इस वाले पूरे मैच में जो पारी होगी ना वो देखना आप। खैर अभी फिलहाल की बात करें तो देखो उतरती मेरे को बैरियर मिल जाती है और सामने एक बंदा दिख जाता है। अब उतरते इसकी पारी कर दी, खैर तभी इसका टीममेट पे भी फायर करता है। और भाई यहाँ पे पारी खत्म होते होते बची, खैर अब इसके बाद इसको फटाक से फिनिश किया। अब बारी है इसके टीममेट की, मतलब उसने बीच में दखल अंदाजी कैसे करी भाई। खैर अब यहाँ पर यार मेरी हेल्थ भी कम थी और मेरे को डर भी लग रहा था रश करते टाइम। एंड मेरे भाई जॉर्जो पॉल में सिर्फ ये एक स्क्वाड आई थी एंड पीछे एक बंदा था जिसको कि मेरा टीममेट मार देता है। एंड इसके बाद हम यहाँ पे लूट वगैरह कर ही रहे थे और तभी ये बोट आ जाता है, मतलब हमारी पॉडी इसमें शामिल होने आ जाता है ये। एंड मेरे भाई इसके साथ अपना जॉर्जो पॉल क्लियर हो जाता है, मतलब यहाँ पे मेरे को सिर्फ दो ही किल मिले और मेरे टीममेट को तीन चार। मतलब स्टार्टिंग में जो उस बंदे ने मेरी हेल्थ कम करी ना उस वजह से यहाँ पे मेरे को किल नहीं मिले। खैर इस वाले मैच में मैं जो बंदों को भगा भगा के मारने वाला हूँ अब, मतलब देखो बस आप। खैर अभी फिलहाल की बात करें तो देखो हम आ गए थे जॉर्जो सिटी क्योंकि हमको लग रहा था यहाँ पे बंदे वगैरह उतरे होंगे और तभी यहाँ मेरे को सामने की तरफ एक बंदा दिखता है और भाई यहाँ पर मैंने इसको बॉडी शॉट मारा। खैर बैरल थी तो कोई मारने का फायदा नहीं होता, इसलिए यार हम आगे की तरफ रश करने लगते क्योंकि आगे गेट वगैरह खुले पड़े थे। अब जैसे ही मैं आगे जाता हूँ भाई साहब ये बंदा अपनी मस्ती में आ रहा था। अब इसके बाद मेरे टीममेट ने इसको फिनिश कर दिया एंड इसके बाद मैं बढ़ रहा था भाई इसकी क्रेट की तरफ। और मेरे भाई तभी यार मेरे को लेफ्ट में से एक बंदे की साउंड आती है और देखो जैसे मैं इस वाले बंदे को मारने जा रहा था ये प्रोन हो जाता है और तभी सामने से भाई साहब उसके टीममेट वाले आने लगते हैं। खैर फटाक से मैं अपने टीममेट से रिवाइव लेता हूँ एंड इसके बाद बिना हील करे सबसे पहले इस वाले बंदे को नॉक किया एंड इसी के साथ भाई हो जाती है ये वाली स्क्वाड वाइप। खैर ये वाला नॉक मेरे इस वाले मैच का पहला एंड लास्ट नॉक होने वाला है। खैर अब इसके बाद क्या था, यहाँ से फायरिंग हुई थी जस्ट, तो हम इधर आ जाते हैं बंदे को ढूंढते ढूंढते और मेरे भाई ये निकलती है एक लड़की, मतलब कि पापा की परी। तो पापा की परी को नॉक करने के बाद हम बोलते हैं कि भाई अपने टीममेट्स को बुला लो, पर इसके टीममेट भाई वाकई में मतलब कतई सख्त लोंडे थे भाई, बचाने नहीं आते इसे। अब ऐसा दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो इसके टीममेट को पता होगा कि ये लड़का है या फिर इसके टीममेट भी लड़की होंगे। खैर जो भी था भाई हमको लेना देना नहीं है क्योंकि रोहित यहाँ पर लॉबी में पहुंच चुकी है, तो हम यहाँ से यूएस उठाते हैं और सीधा निकल पड़ते हैं बाकी के बंदों को ढूंढने और पारवी करने। अब इसके बाद यार हम बंदे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ बंदे क्या थे कि स्कूल अपार्टमेंट की छत पे अकेले अकेले पार्टी कर रहे थे, तो हमने बोला भाई ऐसे अकेले अकेले नहीं करने देंगे, हमको भी चाहिए पार्टी। और मेरे भाई ये बंदा क्या ही कैंप कर रहा था, मतलब जो स्वागत कर रहा है ना इसने भाई, ऐसी नेक्स्ट लेवल कैंपिंग की जज्बा आता कहाँ से है। अब इसके बाद क्या थे कि यार सामने की तरफ से हमको एक बंदे के पैरों की आवाज आती है और तभी ये सुनिए है नहीं भाई, यहाँ पे बंदूकबाज बनने की एक नाकाम कोशिश। खैर मैं इसको दिखा देता हूँ कि भाई ग्रेनेड कैसे करते हैं, मतलब बंदूकबाज भाई जैसे नेट तो मैंने यहाँ पे कर ही दिया। अब इसके बाद कहते हैं कि यार जिस बंदे को मैंने नॉक किया था ना उसका बंदा इसी वाली बिल्डिंग के छत पे था। अब जैसे ही मैं छत पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो बंदा कूद के जस्ट अभी अभी भाग के अपने टीममेट को रिवाइव देने जा रहा है जिसको कि मैंने नॉक किया था। अब सबसे पहले यार मैं सीढ़ियों की तरफ ग्रेनेड करता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा था क्या पता वहीं पर रिवाइव दे तो नेट से ही मर जाए, लेकिन वो बंदा चालू रहता है, वो क्या करता है अंदर की तरफ चला जाता है। और अब भाई साहब ये सीन देखना बस आप, और मेरे भाई कैसा लगा यार ये वाला 1v2 भाई। इस वाले सीन के लिए एक लाइक तो बनता है, तो यार जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा भाई देखो यार गलत बात है, लाइक कर दिया करो। अब इसके बाद यार हम यहाँ से अपने बुगाटी चिरान पीरो मैक्स लाइट लेके निकलते हैं
और सीधा आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर यार मैं एक ड्रॉप लूट के जैसे जा रहा था, तभी यार मैं देखता हूँ कि सामने से एक गाड़ी आ रही है और मेरा जो टीममेट था वो पीछे था। तो सबसे पहले मैं आइस वॉल बना के कवर लेता हूँ एंड देन इसके बाद ये जो बंदे थे ये सामने वाले घर में रुक गए थे। अब यहाँ पर मैं अकेला था और मेरे को डर लग रहा था कि ये मेरे को शॉट ना कर ले। और तभी मतलब ओपन में ये बंदा मेरे को दिख जाता है, बैक बेंचर बॉय। तो बैक बेंचर को नॉक करने के बाद बारी इसके टीममेट की। अब इसका टीममेट मेरे को सामने दिखा, इससे पहले आप ये कमेंट करो कि भाई इतना अनस्टेबल होकर क्यों मार रहे हो, क्योंकि गाइज मेरे को अभी पता नहीं है कि उनके पास स्नाइपर होगी। मतलब अगर स्नाइपर हुई और अगर मैं मतलब बिल्कुल बैठे बैठे मारने लगा तो इजीली नॉक हो जाऊंगा। खैर अब इसके बाद मेरे को पता चल चुका था कि उनके पास स्नाइपर नहीं है, तो मैं आराम से एक जगह बैठ के मार सकता हूं। अब क्लोज आने के बाद सबसे पहले मैं ग्रेनेड करता हूं, मतलब ये ग्रेनेड तो ऐसे उनको पैनिक करने के लिए थे, क्योंकि मेरे को भी पता है आपको भी पता है ग्रेनेड वहां तक नहीं जाने वाला। लेकिन भाई साहब उनका नेट मेरे को जरूर डैमेज देगा। खैर ये टाइम था रश करने का, तो सबसे पहले मैं हील वगैरह करता हूँ एंड देन इसके बाद मेरा टीममेट उन पे राइट से फायरिंग कर रहा था और इसके बाद मैं भी एक ग्रेनेड करता हूँ। और मेरे भाई ये नेट हल्का सा पहले फट जाता है, खैर अगर बंदा वहां पे होता तो जरूर नॉक हो जाता। अब गांड फाड़ दें की। और मेरे भाई जैसे मेरे टीममेट नॉक किया, अब सबसे पहले इसको नॉक किया और जल्दी आ जाना भाई ऊपर एक नॉक एंड फिनिश करने के बाद। अब देखो ये भाई साहब कैसा लगा यार ये वाला सीन, मतलब इस वाले सीन के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। देखो सब्सक्राइब करना बहुत छोटी चीज है, तो जल्दी से करो और जिन्होंने बेल आइकन को ऑल पे नहीं करा वो कर लो। खैर लास्ट वाले बंदे के नाम को आप इग्नोर करना, मतलब यार ऐसे क्रिएटिव नाम लाते कहां से, ये शिकारी उकारी। खैर अब इस टॉपिक पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब इसके बाद में जैसे ड्रॉप पे जा रहा था तभी ये बंदा भाई मेरे से पहले ड्रॉप पे जा रहा था, मतलब ऐसे कैसे ड्रॉप लूटने दूंगा भाई, सबसे पहले मैं लूटूंगा फिर लूटना तुम। खैर अब सबसे पहले यार इसका बंदा जो था वो पीछे वाले ड्रॉप पे रुक जाता है, जिसको मैंने ऑलरेडी लूट लिया था, मतलब उसी वाले ड्रॉप में से मेरे को ग्रोजा मिली थी। अब इसके बाद राइट में मैंने एक बंदे को नॉक किया था और तभी मतलब सामने से एक बंदे ने मेरा किल चुरा लिया। मैं बोलता हूँ भाई अब इस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ना, मतलब उस ड्रॉप वाले को बाद में देखेंगे, पहले इसकी बात लगाई जाएगी, मतलब इसने मेरा किल कैसे चुराया भाई। अभी इसके बाद क्या यार हम सीधा इसके ऊपर रस कर देते हैं। अब हाथ में ग्रोजा है तो भाई साहब और क्या चाहिए। और मेरे भाई घुसते ही सबसे पहले हेड कनेक्ट करता हूँ ग्रोजा का, और ग्रोजा का हेड कनेक्ट होने के बाद भाई बंदा कहीं बसता है। खैर अब भारी यार उस ड्रॉप वाले की। अब इसके बाद इस बंदे की किस्मत देखो बस आप, पग्गी के पीछे मैं नहीं वो लेटा हुआ अरे ले। अब अगर इसका ये सर्कल बना रहता ना तो शायद ये यहाँ पे बच जाता, लेकिन जैसे मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ इसका जो सर्कल था वो मतलब खत्म सा हो जाता है और ये एकदम नॉक हो जाता है। अब इसके बाद क्या था कि यार मैं इससे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब ये कुछ नहीं बोलता पेट्रोल पंप से आ रहा ऊपर मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। और तब यार पेट्रोल पंप से इसका एक टीममेट आ जाता है और अब देखो मैं इसको कैसे मारूंगा, मतलब सबसे पहले कवर बनाया बाकी ली और अब देखो ये वाला सीन। अब इसको भी नॉक कर देता हूँ और नॉक करने के बाद फिनिश नहीं करता, मैं वेट कर रहा था इसके एक और बंदे का, लेकिन यार वो आता नहीं है। मतलब इस वाले सीन को देखने के बाद आप मुझे बोल सकते हो कि भाई तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। खैर अब इसको नॉक करने के बाद मेरा टीममेट इससे बातचीत करता है एंड देन इसके बाद इसको फिनिश कर देता है, जब इसको बंदा काफ़ी देर तक नहीं आता। एंड इसके बाद यार हम यहाँ से बग्गी उठाते हैं और निकल पड़ते हैं मतलब बाकी के बंदों को ढूंढने। अब बंदे ढूंढते हम जैसे यहाँ पे आते तभी मेरे टीममेट को सामने की तरफ कुछ बंदे स्पॉट होते हैं घासों में, तो वो बोलता भाई रोक ले, तो मैं तुरंत भाई ओपन में रोक के आइस बॉल का कवर बना लेता हूँ। अब सबसे पहले मेरे टीममेट ने मार्क लगाया, मतलब पोल ने मार्क लगाया एंड हम दोनों एक साथ फायरिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि बंदों के बचने के चांस बिल्कुल ना बचे। लेकिन फिर भी एक बंदा बच जाता है क्योंकि सही टाइम पे उसने आइस बॉल बना दी थी। खैर डरने वाली कोई बात नहीं थी, हम सीधा रश कर देते हैं। और अब देखो यहाँ पे भाई साहब ये भी नॉक हुआ। खैर अब इसके बाद जैसे हम इसको फिनिश करने जाते हैं तभी यार पीछे की साइड से मतलब VSS वगैरह चलती है। अब इस बंदे की पोजीशन हमें पता चल गई थी, इसलिए मैं इसको फिनिश करता हूँ सबसे पहले नॉक वाले को।
एंड तभी यार पीछे की साइड से भी फायरिंग होती है, मतलब हमारे आगे से भी फायरिंग हुई, पीछे से भी फायरिंग हुई। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई निकल यहाँ से, इससे पहले हमारा सैंडविच हो जाए। अभी इसके बाद हम जैसे इस वाली बिल्डिंग में आते हैं तभी भाई पीछे एक ड्रॉप होता है और उस ड्रॉप को मतलब एक बंदा लूटने आ रहा था, और ये बंदा वही था जिसने यार हमारे पीछे से फायरिंग करी थी। और मेरे भाई नॉक करते ही सीधा फिनिश कर देता हूँ मैं इसको। काफी देर तक वेट करता हूँ कि इसका टीममेट इसको ओपन से आके रिवाइव दे दे, लेकिन इसका टीममेट भी ढीठ था, वो आता नहीं है। अभी इसके बाद क्या था कि यार हम AWM वाले पे फ्लैंक कर रहे थे और तभी मेरे को सामने कुछ दिखा। भाई साहब मेरी हेल्थ देखो भाई साहब, मतलब कुछ हेल्थ बची भी है क्या? खैर जो भी था, अब सबसे पहले मैं अपने आप को हील करता हूँ क्योंकि अभी भी भाई साहब वो AWM वाला बंदा बचा था। अपने आप को हील करने के एंड बूस्ट करने के बाद निकल पड़ते हम उस AWM वाले बंदे को ढूंढने। अब इसके बाद मतलब ये जो सर्कल था ना, इसके बीच में एक आइस वॉल बनी थी और AWM भी यहीं कहीं से फायरिंग हो रही थी। तो हम बोलते हैं भाई चलो इस आइस वॉल के पास चेक कर लेते हैं, और कमाल की बात बंदा यहीं निकलता है। एंड मेरे भाई इसी के साथ हो जाता है यार अपना विनर विनर चिकन डिनर। तो गाइस कैसा लगा यार आपको आज का ये वाला शानदार गेम प्ले अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर करते जाना, चैनल पे पहली बार आ रहे हो और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को जरूर से ऑल पे कर जाना, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, मतलब आओ इंस्टाग्राम पे यार, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ इंस्टाग्राम पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस मैं बोलता हूँ आप सभी को फिर से एक और न्यू धमाकेदार गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक जाओ आप पावरी करो, बाय।